एक साहूकार के सात लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसने बहुओं और बेटी ने करुआ चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जी मिलो। यह सुनकर उसने अपने भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तो तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियाँ की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्ध देख कर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसे श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवनदान देखकर उसे आरोग्य करने के पश्चाताप धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से गणेश चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। ले भाई रोटी जी मिले भाई चांद में जाने दे भाई रोटी जी मिले सातू आ लिया रोटी को जी तो ले भाई तो चांद उगा दिया दिन तो छिप ही गयो भाई रोटी खा ली बोले भूखी मरण लग रही बोले हाँ एक भाई नाग बढ़ती दड़ी पकड़िया हो एक ने डीखरा अड़ा दिया एक ने छालनी अड़ा दी एक ने बोले जा भाई बाज के बाण ना बोल लिया रख दे देगी चांद उग गयो भाई चांद देखने खातर आए ना बाण ने बुलाना आए बाण बोली भाभी बोले चालो का अपन चांद उग गयो रख दे दिया भाई संतार हो गया मर तो कोई नहीं मारो वो जब ध्यान थी दे दे थर भाई लड़ ली नणद चांद बना रख दे के रोटी खान बैठी रोटी खान बैठी तो पहले बाल में तो इसकी आ गई दूसरा में बाल आयो दूसरा में सिंहाण आयो सिंहाण आ गया चौथम सासरों बैली आ गई होंगी लेने तीसरा में आ जाए वो आ गए तीसरा में वो समाचार लेके ना आ गया भाई न्यू न्यू बोले कहीं भाई ने गाल दो प्यार करके ना गाल दो बोले कहीं मैंने गया संग को नहीं गणवरे हो तो गणवरे तो आ मान यूली भाई या के सुनी मेरे तो बेटी बरती थी और ले बोले संग जो भी आ था वह मेरे पहले चोट बोली वो इतना पैर के जानो पड़ेगा नाम पुतने ऊपर आके गाल लूंगी हाथ मारे जब हम दौड़ो कफन हाथ लागे दौड़ो कफन हाथ लागे तो ऊपर आके गाल दिया पराए गाल दिया तो नहीं बोली जा भाई भाई बारू लिकट दी लो कह राम जो भी कोई आओ उंगा तू पाई पड़ दी चालिए से कि नहीं दिया हो बोले तो उंगी पल्ला के तेरा गांठ लगाती चालिए इतना कुम कुम दी तो राख मैं चाली पल चुट गाई गा कपाई लगी गा भी किमी कौन दियो चाल पड़ी आगे सी गई एक सूरी कुर्डी मुंह मारना रही हूँ पाई लगी मुन भी किमी ऐसी सुकून दिया बोले मन तो बोली कही ये जिंदा और मिले रहना ऐसी सुकून दिया अब चाली तो एक लो लग गई सास रह गए एक बुढ़ी लुगाई और कुरड़ी के ऊपर कागज चुक दिया हल है तो वहाँ पाई पड़ गई वाने लगे बुढ़े सुहा गो भगवान तेरी जोड़ी बनाए रखो मम्मा भी ना कभी बता दिया आगे चाली आगे चाली तो उन पर लगा तो ला ली एक तो आगे चाली तो वरना तो बारना आगे खेलने मारी घर का वरना आगे खेलन लारी दे नंद का पाई पड़ गई नंद भी आशीष दे दिया आशीष दे दिया तो अगर जाके नर देखा तो हम तो तैयारी करने लग रहा भाई इन तो ले जाना है तैयारी करना है रुक जाओ बोले कि मैं कौन ले जाने दे बोले क्यों कौन ले जाने दे बोले क्यों क्या मैं ले जाऊँ कौन ले जाने दे बोले मेरा व्रत करूँ ना कि तेरा व्रत था बोले झूठा कर गाज गए बोले ना झूठा कौन नहीं मैं सच्चा करूँ मैं तो बोली ले जाने कौन दे बोले चलो बोले उठता ही सीधी चाल पड़ेगी उसाने ताई ले गए हमने ले गए नहीं बोली मैं दाग को नहीं होने दियो तो एक बड़ा मानस आ गया इतने
बोले भाई चलो या ना ही होने दे तो मान लियो आड़ बोले एक झुपड़ी गलवा दो अरे मड़े की सेवा करे जाएगी पड़ी रहेगी बोले घर रखो ना गम तो न्यारी होगी भर वही गम तो भर वही होगी तो खूब सेवा करे बनी खूब सेवा करे बारह महीना ही बारह चौथ करनी शुरू कर दी जब बारह महीना चौथ करनी शुरू कर दी जोशी बात चौथ करे जोशी चौथ करे वो चौथ का मही बोले कर चौथ कर लिए बड़ी तेरह बार उसरी भाई तन सुहाग देगी हर बात सुहाग भाग देगी वह तू लिए मारदर तो किमी भी पानी भाई हम तेरा आगे सुतरी डाल पैर पकड़ कत्ते की चौथ करी ननद आई रोटी देने बोले भाभी कर ले रोटी खा ले बोले रोटी तो मैं खा लू ही छोड़ दिया बोले तू मना सारी सुहाग भाग की चीज ले दे जो मेरे ब्याह की चुंगड़ी थी वह ले दी मैं बाउडी की बैठू बोले तू ये व्रत करेगी आज का मेरे भाई तो बोले मड़ाए पड़े हमारा भी ना हो गया बोले तेरे भाई मड़ाए जरूर पड़े बोले मना तू लिया दे मैं तो बोले मेरा काम पूरा करूँ जाके माँ का लू मांगिया बोले माँ मन पीछा दे दे मेरे भाभी का सिंगार लिया के देंगे बोले तेरे भाभी का दिमाग खराब हो रहा बोले तू दे दे अगले दिन बारह भी ना गया मड़न से तू सिंगार का दे दे वह सिंगार का लेके सारा सिंगार लिया ही माँ को मैं सुंदर इकडुआ लिया ही मैं दुख मत लिया की सुंदरी उन्हें दे दिया तो वापस करने लगी वे माता आ गई मैं चौथ माता आई जिन मेरी तू त्यार है बोलिया तो भाई यहीं लाडली भूखी गणी अदा मैं चांदू गाणी करो ले चांदू गाणी बोलिया करो ले वर्त बानने करो